हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम सर्कुलर मोशन के अंतर्गत दो बहुत ही स्पेसिफिक फोर्स की दुनिया में चलने वाले हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे और हम देखेंगे कि इन बलों का एक्सपीरियंस या अनुभव हम कहां कहां पर करते हैं, जिन्हें हम सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से जानते हैं। इन्हें हिंदी में अभिकेंद्र बल और अपकेंद्र बल भी कहते हैं। अभिकेंद्र बल को केंद्राभिमुख बल भी कहा जाता है और अपकेंद्र बल को केंद्रापसारक बल भी हम कहते हैं। केंद्राभिमुख का मतलब होता है जिसका डायरेक्शन केंद्र की तरफ हो। केंद्रापसारक का मतलब होता है जिसका डायरेक्शन सेंटर से अवे हो, दूर हो, उसे हम केंद्रापसारक बल कहते हैं। तो आइए हम वन बाई वन देखते हैं। सेंट्रीपिटल, इसी को हम अभिकेंद्र या केंद्राभिमुख कहते हैं। सेंट्रीफ्यूगल, इसी को हम अपकेंद्र या केंद्रापसारक बल भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं सेंट्रीपिटल या अभिकेंद्र बल। अब मान लीजिए ये हमारा कोई सर्कुलर पाथ है, वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु इस तरह से घूम रही है और इसकी वेलासिटी है वी और इस डायरेक्शन में ये चल रही है। अब जब इस डायरेक्शन में ये चल रही है तो इसको सेंटर की तरफ खींचने वाला एक बल लगता है, ये इसका डायरेक्शन इधर होता है, तभी ये इस पाथ को छोड़कर बाहर नहीं जा पाती। तो जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर, वृत्ताकार पथ पर मोशन करती है तो उस पर सेंटर की तरफ, वृत्ताकार पथ के सेंटर की तरफ लगने वाले फोर्स को हम कहते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स या अभिकेंद्र बल, इसी को हम एफ कहते हैं। और इसका डायरेक्शन हमेशा सेंटर की तरफ होता है। अब हमने पढ़ा है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, न्यूटन के गति का द्वितीय नियम, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसे कहते हैं हम। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है एफ इक्वल टू एम इंटू ए। कोई वस्तु जब मोशन करती है तो उसके मास और एक्सेलरेशन के मल्टीप्लिकेशन को हम फोर्स कहते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक्सीलरेशन को ए सी से दिखाया गया है। ए सी का मतलब इस पर जो एक्सीलरेशन लग रहा है उसका डायरेक्शन सेंटर की तरफ, सी मीन सेंटर, और इस बॉडी का मास मान लीजिए यम है तो इस पे लगने वाला फोर्स एफ इक्वल टू यम इंटू ए सी एक्सीलरेशन, और ए की वैल्यू होती है बी स्क्वायर अपान आर, ये जो इसकी वेलोसिटी है, अपान ये है रेडियस, जिस सर्कल पर घूम रहा है उस सर्कल का रेडियस या त्रिज्या। तो एफ इक्वल टू हो गया एम बी स्क्वायर अपान आर, ये हो गया हमारा अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। तो कोई वस्तु जब सर्कुलर पाथ पर मोशन करेगी तो उस पर सेंटर की तरफ लगने वाला बल जो होगा उसकी वैल्यू होगी बॉडी के मास इंटू उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर अपान वो जिस रेडियस के सर्कल पर घूम रही है अपान रेडियस। तो ये हो गया हमारा अभिकेंद्र बल की वैल्यू या सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू। और ये हमेशा, इसकी खास बात होती है, इसका डायरेक्शन हमेशा पाथ से सेंटर की तरफ होता है। डायरेक्शन की अगर हम बात करें, पूछा जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन या दिशा किधर होती है तो सेंटर की ओर होती है, सेंटर की ओर होती है हमेशा, मतलब केंद्र की ओर, इस सर्कल के केंद्र की ओर। अब जरा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल को देख लेते हैं। जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर घूमती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर लगता ही है, लेकिन इस वस्तु को बाहर की तरफ फेंकने वाला भी एक फोर्स लगता है और वो इसी के बराबर ही होता है। इसको हम एक उदाहरण समझाते हैं। जैसे आपने बचपन में रस्सी में ढेला या कुछ कंकड़ बांध कर ऐसे ऐसे आपने अपने चारों तरफ घुमाया होगा। अब जब आप घुमाते हैं तो आपके रस्सी पर एक बल लगता है, आपको लगता है कि रस्सी को कोई चीज़ बाहर की तरफ ढेला या जो आपने बांधा है वो बाहर की तरफ उसको खींच रहा है। संयोग से अगर आपके हाथ से रस्सी टूट जाए, रस्सी छूट जाए या रस्सी बीच में कहीं टूट जाए, तो ऐसे ऐसे आप घुमाते हो तो उसी सर्किल के टेंजेंशियल डायरेक्शन में वो भाग जाती है वस्तु। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हम ऐसे घुमाते हैं तो हमें लगता है कि हमारी रस्सी को कोई चीज़ बाहर की तरफ खींच रहा है। ये बाहर की तरफ खींचने वाला यही बल जो है, इसी को हम अपकेंद्र या केंद्रापसारक या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। तो इसमें सेंट्रीपिटल फोर्स तो इधर की तरफ लग रहा है, लेकिन इसी के बराबर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ भी इसको, इस पर लग रहा है। और अगर इसको हम कट कर दें तो ये क्या होगा,
इस बाहर की तरफ लगने वाले फोर्स कारण इसी टेंजेंट, टेंजेंट का मतलब इसके स्पर्श रेखा की दिशा में, इस डायरेक्शन में बाहर भाग जाएगी। तो किसी सर्कुलर पाथ पर घूमती हुई वस्तु पर बाहर की तरफ लगने वाले बल को हम कहते हैं केंद्रापसारक बल, अपकेंद्र बल या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और चूंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है, इसीलिए हमने एक फोर्स को जो सेंटर की तरफ आ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन इधर दिखाया, तो इसीलिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का डायरेक्शन बाहर की तरफ है, इसीलिए हम यहाँ पर इसको माइनस से दिखाएं, या सी मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल टू माइनस एम बी स्क्वायर अपान आर। इसकी वैल्यू जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है मैग्नीट्यूड, वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर ही होती है। चूंकि ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में है, इसीलिए हमने यहाँ पर माइनस दिखाया, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वैल्यू भी बॉडी का मास, इसकी वेलोसिटी के स्क्वायर और मास के मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेड बाई ये आर रेडियस के बराबर होता है। और इसका डायरेक्शन चूंकि बाहर की तरफ है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस दिखाया है। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, बाइक मेकिंग ए टर्न। जब हम मोटरसाइकिल से ऐसे टर्निंग पर घूमते हैं, अगर स्पीड धीमा ना करें तो हम बाहर की तरफ फेंका जाते हैं, फेंक दिए जाते हैं। इसलिए चूंकि बाहर की तरफ वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा हो जाता है सेंट्रीपिटल फोर्स से, तो हम बाहर की तरफ फेंक दिए जाते हैं। इसीलिए जब हम टर्निंग पर टर्न लेते हैं तो अपनी स्पीड को धीमा करते हैं, ताकि ये अंदर की तरफ लगने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बराबर ही बना रहे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो हम बाहर की तरफ फेंक दिए जाएंगे, गिर जाएंगे। और ये सेंट्रीपिटल फोर्स जो अंदर की तरफ बल लग रहा है, ये जनरेट कहाँ से होता है, पहिए और ज़मीन के बीच में घर्षण होता है, उससे ये अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स जनरेट होता है। अंदर की तरफ लगने वाला फोर्स अगर कम हो गया तो बाहर की तरफ वाला फोर्स ज़्यादा होगा, तो आप बाहर की तरफ गिर जाएंगे। इसीलिए जहाँ पर टर्निंग होती है, रोड को देखिए, ऐसे एकदम बिल्कुल प्लेन नहीं रहती, अंदर की तरफ जिधर आप ऐसे घूमते हैं उधर रोड थोड़ा सा स्लोप बनाया जाता है और बाहर की तरफ ऊँचा, ताकि आप जब मुड़ें तो आपकी बॉडी थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाए और उस कर्वेचर को, उस टेढ़े रोड को पार करने के लिए आपको पर्याप्त अभिकेंद्र बल या सेंट्रीपिटल फोर्स मिल जाए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा ना होने पाए, ताकि आप गिरे ना। उसी को बोलते हैं बैंक्ड कर्वेचर। बैंक्ड कर्वेचर या ऐसे रोड रहता है कि बाहर की तरफ वाला ऐसे उठा बनाया जाता है, इधर की तरफ वाला थोड़ा सा ये ऊपर की तरफ उठा रहता है, तो आप अपनी बॉडी को इधर झुका लेते हो तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स इधर लगने वाला एम बी स्क्वायर अपान आर आपको पर्याप्त मिल जाता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज़्यादा नहीं हो पाता, तो आप बाहर की तरफ गिरते नहीं हो। व्हीकल ड्राइविंग ए कर्व, इसका एग्जाम्पल है बाइक से टर्न लेना या व्हीकल से टर्न लेना, ये सब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जाम्पल हैं। आपने देखा होगा घरों में दूध से मक्खन निकालते हैं, तो ऐसे ऐसे हम उसको चलाते हैं, जब ऐसे ऐसे चलाते हैं तो क्या होता है, जो हेवी वस्तु है ऐसे ऐसे जब हम रस्सी से घुमाते हैं तो ढेले का वजन ज़्यादा है तो वो किनारे पर रहता है, तो जो हेवी वस्तु है वो किनारे की तरफ चली जाती है और हल्की वस्तु बीच में रह जाती है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण ही है। तो जब हम दूध से क्रीम निकालते हैं वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एप्लीकेशन, क्रीम हल्का होता है और उसमें जो लिक्विड है वो ज़्यादा हेवी होता है तो किनारे की तरफ भाग जाता है, क्रीम बीच में आ जाता है, हम उसको क्रीम को ऐसे निकाल लेते हैं, तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन पर ही आधारित है। और सेंट्रीफ्यूज एक मशीन होती है जिसमें ब्लड की टेस्टिंग भी की जाती है, तो उसमें किट भर के ब्लड को रख देते हैं, तो डेंसिटी के आधार पर डिफरेंट मटेरियल ब्लड में जो पाए जाते हैं अलग अलग एरिया में इकट्ठा हो जाते हैं, उससे ब्लड की टेस्टिंग भी की जाती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये लगते कहाँ हैं, जब कोई वस्तु सर्कुलर पाथ पर या वृत्ताकार पथ पर मोशन करती है या कहीं कर्व पाथ पर ऐसे घुमावदार रास्ते पर चलती है। तो इसका एग्जांपल है सेंट्रीपिटल अभिकेंद्र बल का उदाहरण है टर्निंग ऑफ ए कार, मोशन ऑफ प्लेनेट, स्पिनिंग ऑफ बाल, बाल को आप ऐसे बाल रस्सी में बाल बांध लीजिए ऐसे ऐसे घुमाइए, या लट्टू, लट्टू की जो मोशन है वो भी सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जाम्पल है। ये सन है, मान लीजिए सूर्य के चारों तरफ प्लेनेट्स चक्कर लगाते हैं, तो ये भी सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण ही, ग्रेविटेशनल पुल के कारण यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स जनरेट होता है, जबकि ये रस्सी से बंधे नहीं होते, तो इसीलिए ये इसकी तरफ खींचे रहते हैं, ऑर्बिट छोड़कर भागते नहीं। और देखिए मड फ्लाइंग फ्रॉम ए टायर, आपने देखा होगा जब आपके गाड़ी के पहिए में या साइकिल के पहिए में कीचड़ लगा होता है, आप स्पीड जैसे थोड़ा बढ़ाते हैं तो कीचड़ ऐसे फेंका जाता है, ये पहिया है यहाँ पर कीचड़ लगा है तो इसके टेंजेंशियल डाइस्ट को टच करता हुआ इधर फेंका जाता है,
क्यों फेंका जाता है? क्योंकि जैसे ही आप स्पीड बढ़ाते हो तो क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बढ़ेगा तो ये कीचड़ यहाँ से निकल करके बाहर फेंक दिया जाता है। तो ये थे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के एग्जांपल। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमेशा सेंटर से बाहर की तरफ लगता है। अब जरा इनकी यूनिट देख लेते हैं, यूनिट सेंट्रीपिटल फोर्स की यूनिट। चूंकि दोनों फोर्स हैं तो दोनों की ही यूनिट होती है न्यूटन। फोर्स चाहे किसी तरह का हो, फ्रिक्शनल फोर्स, कोई भी फोर्स हो, उसकी यूनिट होती है न्यूटन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की भी यूनिट होती है न्यूटन, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या अपकेंद्र बल या केंद्रापसारक बल की भी यूनिट होती है न्यूटन। अब इसकी हम जरा डायमेंशन देख लेते हैं, तो एफ इक्वल टू होता है यम इंटू ए। तो यम को हम लिखते हैं किलोग्राम मास इंटू एक्सीलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ये भी फोर्स है, तो इसका भी हो जाएगा मास इंटू एक्सीलरेशन, हमने देखिए लिखा था यहाँ पर, तो इसका भी हो गया किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम किलोग्राम को लिखते हैं किसमें, किलोग्राम को डायमेंशन या बीमा लिखने के लिए यम में लिखते हैं, मीटर को यल में लिखते हैं, और सेकंड का स्क्वायर है तो अपान टाइम का स्क्वायर, और इसको जब हम ऊपर ले जाएंगे यम यल टी पावर माइनस टू। तो यहाँ भी देखिए वही यही होगा, यम यल यहाँ पे टी पावर माइनस टू। जब यूनिट सेम है तो डायमेंशन या बीमा भी सेम होगी। तो आपके यहाँ पूछा जाता है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फोर्स, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन। और इसी न्यूटन को हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी कहते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये SI यूनिट है या MKS यूनिट है, और इसी किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम न्यूटन बोलते हैं। तो इसका डायमेंशन या बीमा यम यल टी पावर माइनस टू, इसका भी डायमेंशन यम यल टी पावर माइनस टू, क्योंकि दोनों फोर्स हैं। तो पूछा जाए अगर सेंट्रीपिटल फोर्स केंद्राभिमुख बल का डायमेंशन क्या होगा या केंद्रापसारक बल का डायमेंशन क्या होगा, तो दोनों की यूनिट सेम होती है, दोनों का डायमेंशन सेम होता है। तो यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इसका डायरेक्शन, केंद्राभिमुख बल का डायरेक्शन हमेशा किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है। केंद्रापसारक बल का डायरेक्शन हमेशा अवे फ्रॉम सेंटर होता है, सेंटर से बाहर की तरफ होता है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड विश यू ऑल द बेस्ट।